पैसे खाए है क्या तूने स्कोडा से? भाई तू स्कोडा की इतनी चाटता क्यों है? पैसे मिलते हैं क्या तुम्हें? तो भाई ये एगोन स्नो 69 को कैसे पता चल गया कि मुझे स्कोडा से पैसे मिलते हैं? स्कोडा लिटरली मेरे मुंह पे बहुत सारी रकम फेंकते हैं और मैं उनकी बढ़ाई करता हूँ। ओ माय गॉड, इसका एक सीक्रेट था कि वो मेरे मुंह पे पैसे मारते और मैं उनकी बढ़ाई करता हूँ। क्या होगा मेरा अब? मैं आगे भी स्कोडा की एक नई गाड़ी आ रही है, उसके लिए और पैसे लेने वाला हूँ उनसे, तो मुझे तो भाई दिक्कत होने वाली है। ओ माय गॉड, स्कोडा ने मेरे मुंह पे 69 करोड़ फेंके थे, इन्हें कैसे पता चल गया? तो अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि स्कोडा ने मेरे मुंह पे पैसे फेंके हैं और मैं स्कोडा की बढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। खुद अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। जो कार मेकर मुझे अपने लॉन्च इवेंट में नहीं बुला रहा जो कि फ्री होता है, उसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती, तो वो अलग से मुझे पैसे क्यों देगा अपनी गाड़ी की बढ़ाई करने के लिए जब वो खुद ही मुझे लॉन्च में नहीं बुला रहा? थोड़ी कॉमन सेंस तो यूज करो यार। मैंने पिछले अपने 3-4 सालों में जब से वीडियो बना रहा हूं, मैंने काफी सारे डिफरेंट कार मेकर्स की बढ़ाई करी है जब तक उनकी सेल्स इंक्रीज कर गई थी। फॉर एग्जांपल मैंने 2020 में टाटा मोटर्स काफी करी, वो ब्रांड काफी बढ़िया परफॉर्म करने लग गया। फिर मैंने महिंद्रा की करनी शुरू करी, मुझे उनके अंदर काफी पोटेंशियल दिख रहा था, वो भी इंडिया में काफी बढ़िया एक्सेल करना शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने एमजी की भी करी थी एक टाइम पे, मैंने किया की भी करी थी एक टाइम पे, और अब दोस्तों मैं स्कोडा की कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनके अंदर पोटेंशियल लग रहा है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है कि मैं इनसे पैसे खा के बैठा हूं, मैंने कुछ इनसे पैसे लिए, जो मैंने गाड़ी खरीदी है वो पूरी नकद ली है। ऐसे दोस्तों मेरे ऊपर आरोप मत लगाया करो यार, मुझे शर्म आती है, कोई पैसे नहीं लिए मैंने। अगर लिए भी होंगे तो मैं आपको प्रॉपर डिस्क्लेमर में बता दूंगा कि पैसे लिए या फिर नहीं लिए। ऐसा दोस्तों कोई अभी तो देता नहीं मुझे पैसे। अगर आप में से कोई जानते हो स्कोडा में से जो मुझे पैसे दे दे कोई वीडियो बनाने के लिए, मैं पूरा खुले आम बना दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी कुछ नहीं मिल रहे। और अगर आपको नहीं पता तो स्कोडा अपनी कायलैक को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इस ब्रांड की एक नई सब 4 मीटर गाड़ी है, क्योंकि ये ब्रांड सब 4 मीटर वाले सेगमेंट को लेकर काफी एंबिशियस है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा कार सेगमेंट है। क्योंकि पिछले महीने अगर आप देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख गाड़ियां सब 4 मीटर एसयूवीज थी आउट ऑफ 3.5 लाख टोटल कार्स जो कि इंडिया में बिकी थी। तो इंडिया में हर 3 में से एक गाड़ी जो बिकती है वो एक सब 4 मीटर एसयूवी है, तो सेगमेंट कुछ ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर कुछ ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट्स है और कंपटीशन भी दोस्तों काफी ज्यादा बड़ा है। ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर की गाड़ी आती है इस वाले सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इस वाले सेगमेंट के अंदर हमारी सरकार ने काफी बढ़िया टैक्स एडवांटेज ऑफर करे हुए हैं, जिसमें अगर कोई गाड़ी इंडिया में सब 4 मीटर है, कोई भी एसयूवी हो कोई भी गाड़ी हो, तो उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है और 1% का सेस लगता है। पर वही अगर कोई गाड़ी होती है जिसकी लेंथ 4 मीटर से ऊपर बढ़ जाती है, भले 1 सेंटीमीटर से भी ऊपर इंक्रीज हो जाए, तो उस गाड़ी के ऊपर इंडिया में 28% के जीएसटी और 22% का सेस लगने वाला है। तो कार मेकर के पास ऑलमोस्ट 21% की टैक्स एडवांटेज आती है इस वाले सेगमेंट में गाड़ी बनाने से, जिससे ऑटोमेटिकली गाड़ी तो सस्ती बनती है क्योंकि छोटी है साइज में, साथ ही में क्योंकि 21% की टैक्स एडवांटेज आ गई इसलिए गाड़ी का प्राइस और रिड्यूस हो जाता है और कस्टमर के बढ़िया बढ़िया मजे लग जाते हैं दोस्तों। और गाड़ी के अंदर इतना कुछ फीचर्स में या फिर फिट एंड फिनिश में या फिर इंटीरियर स्पेस में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फर्क भी नहीं आता, क्योंकि इतना कुछ लेंथ में डिक्रीज है नहीं। तो स्कोडा भी दोस्तों क्यों नहीं लेंगे इस वाले टैक्स एडवांटेज का मजा और अपनी कायलैक को इंडिया में लॉन्च करेंगे, जिसमें अब आप कहोगे भाई स्कोडा की जो कुछ आगे वो भी तो सब 4 मीटर लगती है, तो वो सब 4 मीटर नहीं है, उसकी लेंथ 4.2 मीटर की है इंडिया में। और स्कोडा बस बेसिकली क्या करने वाले हैं, स्कोडा कुशाक का MQB AI वाला प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कुशाक या फिर स्लाविया या फिर वर्टस बेस्ड है, उसकी लेंथ थोड़ी डिक्रीज कर देंगे, व्हील बेस ऑलमोस्ट सेम रखेंगे, ओवरहैंग्स को डिक्रीज कर देंगे, हाइट वगैरह गाड़ी की ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, और आपको एक सब 4 मीटर गाड़ी मिल जाएगी जिसका प्राइस पहले से कम होगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी पहले से और टैक्स एडवांटेज और मिलेगी, तो आपको और बढ़िया मजा आने वाली है। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी गुड। और साइड से भी आप देख सकते हैं काफी कुछ सिमिलर लग रही है ये गाड़ी कुशाक से, तो वैसे आपको बहुत मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला, तो टेक्निकली आपको ऑलमोस्ट 50% लेस प्राइस में कुशाक वाले मजे मिल जाएंगे। और इसमें आपको लुक्स कुशाक से बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि ये स्कोडा की जो डिजाइन थीम 3.0 है उसकी पहली गाड़ी होगी जो कि इंटरनेशनली लॉन्च हुई है, ऐसा नहीं बाहर लॉन्च हो गई है, ये पहली गाड़ी है जो कि इस वाली डिजाइन थीम में बेस्ड है। इसमें आपको सामने स्प्लिट वाली हेडलाइट्स मिलने वाली है जो कि आपको कुशाक में भी मिलती है, पर इसमें स्प्लिट का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें आपको एक तो ऊपर DRL मिलने वाले जो कि इसके ग्रिल से कनेक्टेड होगी और एकदम ऐसे बोनट के नीचे है, और उसके नीचे आपको इसकी हाई बीम और इसकी वाइड बीम लाइट की हाउसिंग मिलने वाली है जो कि इसके बम्पर के अंदर कनेक्टेड होगी, जिससे अगर आप देखिए गाड़ी काफी कुछ जो आजकल की नई डिजाइन थीम है उससे रिजेंबल करेगी, और इसके आपको ग्रिल ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की मिलने वाली है, थोड़ी स्टेल्थ लुक ऑफर करेगी, आपको बोनट एकदम स्ट्रेट मिलने वाला है जिसमें आपको क्रीसिस मिलेगी। साइड में अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको 4 मीटर की लेंथ मिलने वाली है, उससे कम ही मिलने वाली ऑब्वियसली, और अगर आप साइड में देखें तो आपको एकदम स्ट्रेट सी रूफ लाइन मिलती है, आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा बोनट मिलता है, और आपको जो पीछे वाली डिक्की है थोड़ी ज्यादा ऐसे झुकी हुई मिलती है एज कम्पेयर टू अगर आप कुशाक से कंपेयर करें, क्योंकि थोड़ी ऐसे स्पोर्टी लुक्स देनी है स्कोडा को। और पीछे अगर आप देखें दोस्तों तो आपको बूमरैंग वाली टेल लाइट्स मिलने वाली है जो कि ऐसे LED फंक्शन में आएगी, बीच में आपको स्कोडा का बैज मिलेगा, और
काफी दोस्तों बढ़िया मजे आएंगे इस गाड़ी को चलाने में। और अगर आप देखें ऐसा कुछ आपको मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला इस गाड़ी के अंदर, अगर आप इसे कुशाक से कंपेयर करके देखें, मेरे ख्याल से उससे बढ़िया प्रोडक्ट होने वाला है ये वाली गाड़ी, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स कुछ ज्यादा लगते हैं दोस्तों, तो थोड़ी महंगी पड़ जाती है वो, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और वही दोस्तों अगर आप आते हैं इसके इंटीरियर में, तो आपको इंटीरियर का कुछ अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं करा स्कोडा ने, अभी टीजर फिलहाल तो इसके कोई अभी दिखाई नहीं है, आने वाले दिनों में दिखा देंगे जब इस गाड़ी का लॉन्च पास आएगा। और पहले पिछले साल स्कोडा ने अपनी एक नई सब 4 मीटर गाड़ी का ऐसे कंसेप्ट वर्जन शोकेस कर दिया था, जिसमें उस गाड़ी का ऐसे बढ़िया इंटीरियर दिखा दिया था। और मोस्ट प्रोबेबली आपको वही वाले इंटीरियर डिजाइन मिलने वाले इस गाड़ी के अंदर, जिसमें आपको फ्लोटिंग वाली एक आपको टच स्क्रीन मिलेगी अराउंड 10 इंच की। मेरी एडवाइस है स्कोडा को कि 10 इंच से इंक्रीज करके इसका साइज 12 इंच का कर दो। 2 इंच बढ़ाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कस्टमर के प्लेजर में। ओ माय गॉड क्या बोल रहा हूं भाई मैं। और भाई अगर मान लो स्कोडा जो अपनी बढ़िया वाली बाहर की 13 इंच की स्क्रीन है अगर वो डाल दे, कितने बढ़िया मजा आएंगे। आपको स्टीयरिंग वही मिलने वाला है स्कोडा वाला 2-स्पोक वाला, ऐसे उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला। इसके नीचे आपको एसी वेंट्स मिलने वाले इसकी स्क्रीन के नीचे। और मेरी एक और एडवाइस है स्कोडा को कि बढ़िया भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पूरा डिजिटल कर दो, कुछ ज्यादा बढ़िया लगने वाली है गाड़ी। उसके बाद छत में आपको ऑब्वियसली सनरूफ मिलने वाली है, और आपको इस वाली गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, वेंटिलेशन वाली सीटें मिलेगी, वायरलेस फोन चार्जिंग मिलेगी, साथ ही में आपको थोड़ा ऐसा स्कोडा सेंस वगैरह मिलेगा। और मेरे ख्याल से स्कोडा को इस गाड़ी के अंदर ADAS भी लॉन्च कर देना चाहिए, अगर लॉन्च नहीं कर रहा तो गाड़ी काफी पीछे रह जाएगी। इस गाड़ी के अंदर ADAS भी डाल दो, काफी बढ़िया होने वाला है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि स्कोडा अगर इस गाड़ी के अंदर ये सारे फीचर्स डाल देंगे तो उनकी कुशाक आउटडेटेड हो जाएगी। लिटरली जो गाड़ी कुशाक से 5 लाख रुपए सस्ती है उसके अंदर कुशाक से ज्यादा फीचर आ रहे हैं, कुशाक से बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। तो भाई कोई बंदा कुशाक क्यों ही ले गया, स्कोडा नीड्स टू रैंप अप देयर अपग्रेडेशन प्रोग्राम सो देयर कुशाक इज आल्सो अप टू डेट। पर फिर भी दोस्तों अगर आप देखें जो ये सारे फीचर है इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जो बाकी सारी गाड़ियां सेगमेंट में आती है उनमें आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। तो ऐसे नहीं कि स्कोडा कुछ ज्यादा ऐसे अलग सी चीज ऑफर कर रहे हैं। तो स्कोडा मेरे ख्याल से क्या ऑफर करने वाले इसमें अलग से, इसकी हैंडलिंग और इसकी परफॉर्मेंस, जिसमें आपको वही मिलने वाला है 1.0 लीटर का TSI इंजन, जिसमें आपको 115 हॉर्स पर मिलेगी, आपको 175 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वाला इंजन वही वाला है जो कि कुशाक में, स्लाविया में, वर्टस के आपको बेस मॉडल्स में मिलता है, ऐसे कुछ अलग सा नहीं है। पर मेरे ख्याल से स्कोडा को एक एडवाइस क्या है कि स्कोडा ने खुद ही कहा था कि इंडिया में हाइब्रिड्स को लॉन्च करेंगे आने वाले सालों में। मेरे ख्याल से अगर स्कोडा इस वाले सेगमेंट में एक हाइब्रिड ऑफर कर दे, बस 1 लाख रुपए से प्राइस इंक्रीज कर दे और एक हाइब्रिड गाड़ी को लॉन्च कर दे जिसमें 20 km/h से ऊपर की एवरेज आ जाए, ये करने से स्कोडा को 2 बेनिफिट मिलने वाले। एक तो कि उनका टैक्स 1% से और रिड्यूस हो जाएगा जो कि सरकार हमारी लगाती है, जिससे स्कोडा को और बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही में RTO चार्जेस कई स्टेट्स में इस वाली कार्स पे होगी नहीं, इस गाड़ी पे RTO चार्जेस नहीं होंगे तो ये गाड़ी और सस्ती पड़ने वाली है। साथ ही में इस वाले सेगमेंट में कोई भी हाइब्रिड गाड़ी नहीं है। सोचो भाई स्कोडा की अगर हाइब्रिड गाड़ी आ जाए इस वाले सेगमेंट में, ओ माय गॉड सो नाइस भाई, ये तो बहुत बढ़िया चीज होगी। स्कोडा को मेरे ख्याल से इसके ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ही दे दो जिसके अंदर थोड़ी बड़ी बैटरी हो अराउंड 2 kWh की, काफी बढ़िया चीजें हो सकती है। और 1 लाख से प्राइस इंक्रीज कर दो, लोग हंसके दे देंगे। हाइब्रिड कार्स का जमाना है, इस टाइम डीजल की इतनी हाइप नहीं है जितनी हाइब्रिड की है। मेरे ख्याल से स्कोडा थोड़ा रिस्क ले लेंगे अगर तो बहुत बढ़िया मजे आने वाले हैं। और अगर आप देखें इस गाड़ी का नाम Kayliak है, KYLAQ, और ये Kayliak नाम इसलिए है क्योंकि स्कोडा की जो भी अगर आप SUV देखें तो उसका नाम K से स्टार्ट होता है और Q से एंड होता है। कुशाक अगर आप ले लो, कमीक अगर आप ले लो, या फिर कोडियाक अगर आप ले लो, सारों का नाम ऐसे ही है। अब स्कोडा ने इस गाड़ी का नाम दोस्तों खुद नहीं रखा, स्कोडा ने एक कंटेस्ट रखा था नेम योर SUV, इसमें 2 लाख एंट्रेंट्स ने इस गाड़ी के लिए नाम सजेस्ट किया था, जिसमें स्टार्टिंग नाम की K से होनी चाहिए, एंड नाम की Q से होनी चाहिए। उसके बाद स्कोडा ने इन वाले नाम के अंदर शॉर्टलिस्ट करके उसके ऊपर फिर इनका वो कराया बढ़िया ऐसे वोटिंग वाला सिस्टम, और फिर Kayliak नाम चूज करा। मैंने दोस्तों इसके अंदर नाम दिया था जिसका नाम था कमीनाक नाम मैंने दिया था दोस्तों, कमीनाक KAMEENAQ, K से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, Q से दोस्तों एंड हो रहा है, बढ़िया रिजेंबल करता है दोस्तों, बढ़िया स्कोडा की जो पॉलिसी SUV के नेमिंग वाली उससे भाई बढ़िया फिट कर रहा है, क्या दिक्कत है यार दोस्तों। मैंने तो यही दिया पर स्कोडा वाले ने दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही ली क्यों नहीं ये वाला नाम, इतना बढ़िया नाम तो था यार। और बाकी इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च November 6th को होने वाला है, मतलब लॉन्च नहीं अनवील होने वाला है, लॉन्च इस गाड़ी का 2025 में होने वाला है। तो काफी एक्साइटेड हूं मैं तो इस गाड़ी को लेकर। आप बताना दोस्तों आपको कैसी लग रही है गाड़ी, और इसका प्राइस इंडिया में 8.5 लाख रुपए एक्सट्रीम इंडिया से स्टार्ट होने वाला है। वैसे बहुत सस्ती नहीं है पर मेरे ख्याल से बहुत महंगी नहीं है, और लोग स्कोडा को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी हो जाएंगे उनके ब्रांड नेम के लिए। और मुझे क्या लगता है दोस्तों, स्कोडा अगर इस गाड़ी की इंडिया में 5-6 यूनिट्स बेच पाए एक सिंगल महीने में, जो कि काफी आसान है बेचना क्योंकि वो कुशाक की 2000 बेच पाते हैं, तो इसकी यार अगर 5-4 बिक जाए और बढ़िया स्कोडा इस गाड़ी को वेल पोजीशन कर दे सेगमेंट में और हाइब्रिड अगर लॉन्च कर दी भाई, फिर तो बताता भाई कितने बढ़िया लॉन्च होगी। देखते हुए दोस्तों क्या होता है इस गाड़ी का। रेत आज की वीडियो में अगर आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अगर आपको किसी में स्कोडा में ऐसे जान पहचान होना मुझे भाई उनसे स्पॉन्सरशिप दिला दो भाई, मुझे आज तक तो मिली नहीं, आपको अगर पता होगा तो भाई दिला दो यार।